हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। तो काइंडली वीडियो का अंत तक बने रहे, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो काइंडली वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी नया पता चलता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही अपडेट करने के बारे में डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। तो चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि फर्स्ट टाइम गल्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे कतर में आता है, मगर यहाँ पे एक्सपीरियंस होने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि कतर में जॉब चेंज करना है बहुत ही मुश्किल। मतलब आप लोगों का ओल्ड कंपनी से आप लोगों को एनओसी चाहिए, विदाउट एनओसी यहाँ पे जॉब चेंज करना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कतर छोड़ के बाहर के कंट्री में यहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और उन लोग का एक बार अगर जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो अभी उन लोगों का डाउट रहता है कि वो लोग अभी कंपनी को बिना इन्फॉर्म करके उसमें जा सकता है कि नहीं, कंट्री को छोड़ सकता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनी ऐसे भी होता है जो लोग उनका एग्जिट को यहाँ पे ब्लॉक करके रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे 90% केसेस में यहाँ पे आप लोग का एग्जिट को यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया जाता है। फिर भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि आप लोग का QID यहाँ पे ब्लॉक है कि नहीं। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना कंपनी को विदाउट इन्फॉर्म करके कतर छोड़ के जाते हैं तो आप लोगों का कंपनी आप लोगों का बिहाफ में यहाँ पे क्या क्या एक्शन ले सकता है, और इससे आप लोगों का कितना नुकसान हो सकता है। ओके, तो अभी चलिए डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैसे आप लोग खुद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप लोग का एग्जिट यहाँ पे ब्लॉक है कि नहीं। और अभी आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कर लीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों के पास अगर पासपोर्ट हो तो आप लोग का एग्जिट परमिट अगर यहाँ पे ब्लॉक ना हो तो आप लोग किसी भी टाइम किसी भी वक्त आप लोग कतर छोड़ के दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्क्रीन की तरफ, यहाँ पे आप लोग पहले गूगल में जाके सर्च बॉक्स में MOI कतर लिख के यहाँ पे सर्च कीजिए, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर का वेबसाइट में जाके आप लोग को वेबसाइट ओपन करना है। आप लोग नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं MOI.gov.qa, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का वेबसाइट है। इसको ओपन करने के बाद आप लोग के पास ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे इंक्वायरीज, ई सर्विस, MOI फॉर्म्स, वीज़ास, एंट्री परमिट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इंक्वायरी में मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा सामने ऐसा एक इंटरफेस ओपन हुआ, जहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में कुछ सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि ट्रैफिक इंक्वायरीज, वीज़ा सर्विस, एंट्री एंड एग्जिट परमिट्स। तो यहाँ पे मैं एंट्री एंड एग्जिट परमिट को यहाँ पे ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को टोटल 9 आइकॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनमें से जो आप लोगों को सेकेंड आइकॉन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लीव नोटिफिकेशन इंक्वायरी बोल के जो आइकॉन है उसको आप लोगों को क्लिक करना है, और यहीं से आप लोग को एग्जिट परमिट का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपना कतर आईडी नंबर और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इसको आप लोग यहाँ पे टाइप कीजिए। यहाँ पे मैं अपना कतर आईडी नंबर और कैप्चा कोड को टाइप करके यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एग्जिट परमिट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मुझको बाहर जाने के लिए एग्जिट परमिट का ज़रूरत नहीं है। मगर अगर यहाँ पे किसी का एग्जिट परमिट इज़ रिक्वायर्ड रेड कलर का लिखा हुआ आता है, मतलब उसको कतर छोड़ने के लिए यहाँ पे एग्जिट परमिट का ज़रूरत है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का ख़त्म होने के बाद आप लोग भी अपना QID नंबर देकर एक बार चेक कर लीजिए कि आप लोगों को कतर से बाहर जाने के लिए एग्जिट परमिट का ज़रूरत है कि नहीं। तो अभी जितने सारे लोगों का एग्जिट यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, जो मैं यहाँ पे दिखाया वो अगर जितने सारे लोगों को यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे विदाउट कंपनी को इन्फॉर्म करके दूसरा कंट्री में यहाँ पे जा सकते हैं। मगर इसके बाद आप लोग का जो यहाँ का कंपनी है वो आपका ऊपर केस भी कर सकते हैं। मैक्सिमम कंपनी नहीं करता, मगर कुछ कंपनी ऐसे भी होता है कि आप लोग विदाउट इन्फॉर्म करके वहाँ पे गए, इसके लिए आप लोगों के ऊपर मिसिंग डायरी यहाँ पे कर देते हैं। और अगर आप लोगों के ऊपर मिसिंग डायरी या तो फिर भाग जाने का केस यहाँ पे दर्ज किया जाता है, तो आप लोगों को होल लाइफ कतर में ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बाद फिर से आप लोग कतर में आ सकते हैं। अगर ये केस आप लोगों के खिलाफ एक बार दर्ज हो जाता है तो आप लोग पूरा लाइफ कतर में जॉब करने के लिए नहीं आ पाएंगे। ओके, और इस केस को विदड्रॉ करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो काइंडली थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप लोग कतर से विदाउट इन्फॉर्म करके दूसरा कंट्री में जाना चाहते हैं तो ये बात थोड़ा सोच के जाइए कि फर्दर मैं कभी भी कतर में नहीं आ पाऊंगा। ओके, तो वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी न्यू पता चलता है तो वीडियो का एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और ऐसे ही अपडेट डेली कतर के बारे में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलोगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।